हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम स्टार्ट। हाय गाइस, जानते हैं आज यानी 10 जनवरी 2022 की टॉप 10 न्यूज, टॉप 10 करंट अफेयर्स। देखते हैं पहली न्यूज क्या है। जस्टिस आयशा मलिक होंगी पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नत यानी प्रमोट करने की हाई पावर पैनल की मंजूरी के बाद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज की नियुक्ति के करीब पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता में पाकिस्तान ने न्यायिक आयोग JCP ने मलिक की पदोन्नति को 4 के मुकाबले 5 मतों से बहुमत से मंजूरी दे दी है। मतलब कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कि आयशा मलिक बनी है पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, महिला जज है। चलिए सेकंड, 10 से 16 जनवरी तक मनाया जाएगा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, ठीक है। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DPIIT, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज स्टार्टअप इनोवेशन वीक ड्यूरिंग जनवरी 10 टू 16 2022। स्टार्टअप इनोवेशन वीक इज अ वर्चुअल इनोवेशन सेलिब्रेशन टू बी ऑर्गेनाइज विद द एम टू कमेमोरेटिंग दी 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इट हैज बीन डिजाइन टू शोकेस द स्प्रेड एंड डेप्थ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की। ये भी इम्पोर्टेंट है, काफी जानते हैं इसके बारे में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद के सिरौरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। मोबाइल वैन को KVIC द्वारा अपने बहुविषयक यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी परीक्षण केंद्र पंजो केहरा में 15 लाख रुपए की लागत से इन हाउस डिजाइन किया गया है। यह मोबाइल शहद प्रसंस्करण इकाई यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट 8 घंटे में 300 किलो शहद तक संसाधित कर सकती है। वैन में एक परीक्षण प्रयोगशाला भी है जो तुरंत शहद की गुणवत्ता की जांच करेगी, ठीक है। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। ICMR ने भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट जिसका नाम है ओमिश्योर को मंजूरी दे दी है, ठीक है। ओमिक्रॉन की किट है ओमिश्योर, इसको मंजूरी दे दी गई है ICMR द्वारा। भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक परीक्षण किट को मंजूरी दे दी है। टाटा द्वारा विकसित कोविड किट को ओमिश्योर कहा जाता है और यह ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक एनहांसमेंट होगा। किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा किया गया है। निर्माता के निर्देशों के अनुसार परीक्षण किए गए बैच टू बैच संगतता की जिम्मेदारी निर्माता की होगी, ठीक है। नेक्स्ट, OPEC ने कुवैत के हेतम अली घिस को नया महासचिव नियुक्त किया, ठीक है। ओपीसी ने, ओपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। इन्होंने कुवैत तेल कार्यकारी हेतम अली घेस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है क्योंकि कोरोना वायरस महामारी से हल्की रिकवरी के बीच तेल की मांग में सुधार जारी है। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के एक अनुभवी और 2017 से जून 2021 तक कुवैत के ओपेक गवर्नर अल घेस मोहम्मद बरकिंडो की जगह अगस्त में समूह की बागडोर संभालेंगे। ओपीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रेलिया में, कई बार पूछा गया है, ठीक है। और ओपीसी की स्थापना कब हुई थी, सितंबर 1960 बगदाद इराक, ठीक है। नेक्स्ट, SBI जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी ये भी। भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक एक अभियान शुरू किया है। यह स्वास्थ्य बीमा को चुनने के अन्य लाभों पर भी प्रकाश डालेगा। इस अभियान का उद्देश्य इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि कैसे स्वास्थ्य बीमा खरीदने से लोगों को टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है। अभियान स्वास्थ्य बीमा को चुनने के अन्य लाभों के को भी रेखांकित करेगा। मतलब मेनली ये है, जो आपका इंश्योरेंस होता है उसको बढ़ावा देने के लिए ये पहल को लाया गया है, और साथ ही साथ एक ये टैक्स सेविंग स्कीम भी है, ठीक है। तो दोनों काम एक साथ होंगे। नेक्स्ट, धीरेंद्र झा ने लिखी गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड
हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक एक नई पुस्तक। ठीक है, दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट धीरेन्द्र के झा हैज रिटन अ न्यू बुक टाइटल गांधी स्केलर द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। द बुक एक्सप्लोर गोडसे रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्फ्लुएंस हिज थॉट एंड गिव हिम अ सेंस टू प्रपोज एंड ग्रेजुअल हार्डनिंग ऑफ गोडसे रिजॉल्व दैट लेड टू असैसिन ऑफ महात्मा गांधी। हिंदी में पढ़ते हैं। दिल्ली के पत्रकार धीरेन्द्र के झा ने गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक एक नई किताब लिखी है। पुस्तक उन संगठनों के साथ गोडसे के संबंधों की पड़ताल करती है जिन्होंने उनके विचार को प्रभावित किया और उन्हें उद्देश्य की भावना दी और गोडसे के संकल्प को धीरे धीरे सख्त किया जिससे महात्मा गांधी की हत्या हुई। मतलब गोडसे को मेनली जिसने उकसाया था, ठीक है, जिस संगठन ने, उसके बारे में इस किताब में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति सिडनी पॉइटियर का निधन हो गया है। बहामियन अमेरिकन एक्टर सिडनी पॉइटियर हु वॉन द एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन 1964 हैज डाइड एट द एज ऑफ 94। इन 1963 पॉइटियर मेड अ फिल्म इन लिली ऑफ द फील्ड एरिजोना। द परफॉर्मेंस मार्क्ड अ मेजर माइलस्टोन मेकिंग हिम द फर्स्ट ब्लैक विनर of a lead acting Oscar. He was awarded the US President Medal for of Freedom in 2009 by the President Barack Obama. ठीक है, तो बराक ओबामा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, है ना, उन्होंने भी इनको US Presidential Award से नवाजा था। शीतकालीन ओलंपिक के लिए जाने वाले मोहम्मद आरिफ खान टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल हुए। भारत के खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल MOC ने इस फरवरी में बीजिंग चीन में होने वाली शीतकालीन ओलंपिक तक लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना कोर ग्रुप में अल्पाइन स्कीइंग एथलीट मोहम्मद आरिफ खान को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इस उपलब्धि ने खान को अलग अलग शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों में सीधे कोटा स्थान जीतने वाले पहले भारतीय बनने का अनूठा गौरव प्राप्त किया। इसके अलावा यह शीतकालीन ओलंपिक खेलों 2022 में बर्थ को सील करने वाले देश के पहले एथलीट भी हैं। नेक्स्ट, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। ठीक है, इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। इसके बाद क्रमशः राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। पुरस्कार एक प्रशस्ति पत्र ट्रॉफी और नगद पुरस्कार के साथ आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला है। उसके बाद पंजाब में शहीद भगत सिंह नगर को मिला। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 न्यूज, टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर करें जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।